सो मैं नीचे आ गई हूँ। मैंने 5-6 चक्कर बिल्डिंग के मार लिए हैं क्योंकि मुझे शोएब ने बोला था कि पहले थोड़ा सा वॉक करो, उसके बाद मैं वर्कआउट कराऊंगा। और ये देखो ये जॉग कर रहे हैं। चलो अभी मुझे बुला के आपके अपने अपने में जॉगिंग में लगे हो। अरे चलो मुझे वर्कआउट कराओ शोएब, ऐसे मिन्नतें करनी पड़ती हैं। देखो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल कृतिका साव में आप लोगों का स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दीपिका कक्कर की वर्कआउट के बारे में। जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं, दीपिका ने पहले 4-5 राउंड्स लगाया है। शोएब ने उन्हें कहा था कि पहले राउंड लगा लो, चक्कर लगा लो, तो वो पहले राउंड लगा के आती हैं, उसके बाद वो ब्लॉग बनाना स्टार्ट करती हैं। यहाँ पर देखिए शोएब किस तरह से उन्हें वर्कआउट करते हुए सिखा रहे हैं कि कैसे करके वर्कआउट करना है। और बेचारी दीपिका थक के पूरा चूर चूर हो गई है, उनसे हो ही नहीं पा रहा है। वो थोड़ा सा कर रही हैं और थक के बैठ जा रही है। ये देखिए किस तरह शोएब उन्हें बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि उठो उठो करो करो करो, और बेचारी दीपिका बार बार थक कर बैठ जा रही है। और दोनों के बीच में काफ़ी नोकझोंक और हंसी मजाक चल रहा है। जैसा कि हम जानते ही हैं गाइस कि दीपिका की प्रेगनेंसी की न्यूज़ अभी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। तो आई थिंक शायद इनका ये 3 मंथ कंप्लीट हो गया है, क्योंकि 3 महीने तक तो आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं जब तक प्रेगनेंसी कन्फर्म नहीं हो जाए। जब क्रिस ख़त्म हो जाता है उसके बाद ही इस तरह से वर्कआउट किया जाता है। सो गाइज़, ऐसा करने से आपको प्रेगनेंसी में डिलीवरी के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस ज़्यादा रहती है। तो आई थिंक शोएब यही करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि डिलीवरी के समय दीपिका को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, इसीलिए वो दीपिका को इतना वर्कआउट करवा रहे हैं, अभी से उन्हें ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन बेचारी दीपिका देखिए कैसे थक कर बार बार बैठ जा रही है और कह रही है कि नहीं 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 मैं नहीं करूँगी। सो गाइज़ प्लीज़ दीपिका के लिए प्रे करें कि उन्हें प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो गाइज़ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाय बाय। जल्दी मिलते हैं आपसे, उससे पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल व्लॉग।